इम्फाल में मैं रहती हूँ, लेकिन इम्फाल में थिएटर का काम करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल मतलब इसको सोचने का, इसका थिएटर करना तो दिमाग का काम है। दिमाग, हम तो दिमाग को कूल करना चाहिए। मतलब इसका इतना नोइजी है, इतना रस है, तो इसमें कुछ कर नहीं पाए। इसलिए मैं इधर में आके इधर में ना पूरा आर्ट को लेन है ना, मैं इसको कैसे सिलेक्शन हुआ था एक मतलब 2007 में हमने एक वर्कशॉप हुआ था इधर में, मतलब आसपास में एक ऑडिटोरियम में हुए लालों, उसमें हम अपना मेरा वर्कशॉप हुआ था। तो उस वर्कशॉप में हमें एक्टिंग एक्सरसाइज में इसके रिलैक्सेशन के लिए आए थे इस जगह। हम तो पहाड़ में जाके एक बार देखेंगे ऐसा करके, तो ये तो देखने से मुझे लग रहा था कि बहुत वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड बहुत खूबसूरत जगह है, आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा जगह होगा, ऐसा मन में सोचा था। तो इसका लैंड ओनर कौन है ऐसा मैंने पूछा, तो मिला लैंड ओनर। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था हम तो सही है, मतलब इसमें कम्प्लेक्स बनाएंगे ऐसा करके। हमने 2008 में पूरा का खरीद लिया, देन हमने बहुत ब्यूटीफुली गार्डन बनाया और इसे एक वो वॉकिंग स्पेस 40x40 इधर में लड़की रहने का जगह, लड़कों रहने का जगह, और पीछे में किचन 20x20 का ऐसा मिला के मतलब 65x80 फीट का वो तो बना है। एक रूप जिंघा रूप है ना, एल्यूमिनियम CI वो जिंघा, और इसका वुड का साइड ऐसा बनाया था। तो बहुत ही इधर में ना नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छा है और हवा भी बहुत अच्छा है, तो इधर रहने से बहुत अच्छा लगा। मतलब हम काम करने से कुल कितने एकड़ में होगा? 3.89 एकड़, लगभग 4 एकड़ में। अराउंड चार लगभग। तो इसमें आपकी क्या कार्य योजना है, क्या करना चाहेंगे आप भविष्य में? अभी तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने अप्लाई किया था, प्रपोज किया था, मणिपुर में क्या प्रॉब्लम है आप लोगों बोलेंगे। मणिपुर इज द मणिपुर आर्ट का लैंड है, इतना बड़ा बड़ा आर्टिस्ट पैदा है, रतन श्याम है, कन्हालाल जी है, और इससे पहले बहुत क्रिएटर लोगों हैं, इतना आर्टिस्ट लोग हैं, बहुत बहुत बोलेंगे आप लोग, लेकिन आर्टिस्ट लोगों का क्रिएटिविटी, अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, शो करने के लिए एक ही जगह भी नहीं है। हमें इधर में ना मणिपुर में रेगुलर शो करने के लिए जगह नहीं, थिएटर का रेगुलर शो करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। आप तो एक शो के लिए एक ऑडिटोरियम में हायर करके वो तो होगा, हम तो मतलब 5 लाख का प्रोडक्शन हम बनाएंगे तो एक शो के लिए पैसा कैसे आएगा। तो इसलिए आर्टिस्ट लोगों मतलब इसका सर्वाइवल में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आर्टिस्ट थिएटर स्पेशली थिएटर आर्टिस्ट वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड, हाउ कैन नो डू वर्क। निकट भविष्य में क्या करेंगे? इसमें ये मैंने मतलब प्लान किया, कैसे प्लान किया, हम रेगुलर शो बना करने के लिए, रेगुलर वर्कशॉप करने के लिए एक कंफर्ट ऑडिटोरियम बनाना। मतलब हम तो इनविटेशन करके ऑडियंस आ जाओ तो वो तो पहचान ही देंगे, हम तो टिकट सेल करके इसके लिए ये मतलब पेट ऑडियंस के लिए हम ऑडिटोरियम बनाएंगे। हम तो टिकट सेल करना तो वो तो टिकट खरीद के हम शो देखेंगे, शो भी स्टैंडर्ड शो मतलब क्वालिटी शो होना चाहिए। और इसके अलावा क्या है मणिपुर में, मणिपुर में एक ही डायरेक्टर है, मैं लेडी डायरेक्टर अलग अलग कम्युनिटी के साथ काम करना। आई एम द ओनली वन डायरेक्टर हु वर्क विद द ट्रैवल कम्युनिटी। तो मैं इतना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ट्रैवल कम्युनिटी इधर में हम मिला के वर्कशॉप कभी हुआ, कभी मतलब इसको ट्रेनिंग दिया, तो कभी हमने पहाड़ में जाके ट्रैवल लोगों का साथ काम हुआ था। वो प्ले अपना अपना लैंग्वेज में अपना फोक टेल को लेके हमने मैंने मतलब इसको इंस्ट्रक्शन करके अपने आप लिखा हुआ वो प्ले भारंगम में, भारत रंगम महोत्सव में शो हुआ था, मतलब पार्टिसिपेट किया था, ऐसा मतलब ऐसा चल रहे। इसलिए ये जगह बहुत ज़रूरी है कि इसको पहाड़ लोगों का मतलब अलग अलग रूरल एरिया से आने वाला आर्टिस्ट लोगों को रहने का जगह वो भी ज़रूरी है।
तो इसलिए मैंने प्लान किया, प्रोजेक्ट दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट, एक ऑडिटोरियम एंड दो लेडी डोमेंट्री एंड द बॉयज डोमेंट्री एंड वन गेस्ट हाउस, मतलब सीनियर लोगों का, डायरेक्टर लोगों का, एंड वन वर्किंग स्पेस, इसको बनाने के लिए प्रोजेक्ट दिया था टैगोर प्रोजेक्ट को लेके, अंडर द स्कीम ऑफ टैगोर प्रोजेक्ट। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप लोगों भी करो बता दीजिए कि मणिपुर में एक ही जगह भी नहीं है अभी तक, अभी तक इतना तो यहाँ पर नाटक होगा, कलाकार भी रुकेंगे। हाँ, इधर में कलाकार रुकेंगे, नाटक भी होगा, आप लोगों का भी गेस्ट बन के आएंगे इधर, वो भी रहेंगे, वो मतलब इसको रहने का कंफर्टेबल भी मिलेगा, देखने के भी बहुत कंफर्टेबल। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या जो दूसरे थिएटर करने वाले हैं उनको किराए पे भी दिया जाएगा? हाँ, वही। और ये फिल्म वालों को जो बहुत अच्छी फिल्म है उनको फिल्म भी शो कर सके, मतलब हम तो रेंट इसका मेंटेनेंस तो रेंट से हम तो हो जाएगा, ऐसा मैंने प्लान किया था। तो चलिए, ये तो अच्छी बात है। अब थोड़ी सी बात ना मैं एक आध दूसरे ढंग की कर लेता हूँ कि आप यहाँ पे एक आदिवासी कम्युनिटी के बीच में काम कर रही हैं, तो क्या कठिनाई आती है मुख्य रूप से आपको, क्या चुनौती आती है? नहीं, क्या हुआ थे, थिएटर करना इज नॉट, हम ए प्ले प्रोडक्शन किया और ये प्ले अच्छा है ये बुरा है, दैट इज अनदर थिंग। थिएटर में काम करने से हम इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है, हम एक दूसरे का इमोशनल अटैचमेंट, कि मैंने ट्रेवल लोगों के साथ काम करने समय उसकी उसी गांव में जाके, मैं 45 डेज रहती थी वर्कशॉप अंडर द एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो इसमें गांव में जाके हम काम करने समय बहुत ब्रदर सिस्टर के साथ, मेरे मम्मा की तरफ, मेरे पापा की तरफ, मेरे ब्रदर की तरफ, ऐसा हम तो, हम इधर से मैत्री लोगों, हम तो डिफरेंट कम्युनिटी है, हिंदू लोग हैं, हम हिंदू लोग वो है 10 लोग तो जाके उधर काम किया, तो इसको मतलब अपना लोकेलिटी का हमके साथ, मतलब ब्रदर सिस्टर की तरफ तो आ गया, मतलब थिएटर से, थिएटर के अलावा हम तो, ये मणिपुर में पॉलिटिकली बहुत ख़राब है, पॉलिटिकल की वजह से एक कम्युनिटी के दूसरा कम्युनिटी का बहुत लड़ाई होता है, मतलब इसे नगा कुकी मैतेई बहुत लड़ाई होता है, लड़ाई चलता है, और अपने आप को नगा का ये ग्रुप, ये कम्युनिटी इसको मिला के ये नगा बनना है, ऐसा मतलब बहुत ही पॉलिटिकली बहुत ख़राब है, कचरा है। हाँ, तो हम अंदर में तो कुछ नहीं, मतलब कॉमन पीपल की अंदर में, मन में तो कुछ नहीं, ऐसा पॉलिटिकल मतलब इसके फीलिंग तो नहीं है, लेकिन इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से हम अपने आप को बहुत दूर दूर में रहने लगता है, इधर अभी डर लगता है हमको, उधर जाके बहुत डर लगता है, ऐसा फीलिंग आ गया था मणिपुर, सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो इसी समय में मैं जाके काम करने समय हम मिशेल मतलब इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की लेवल तक तो आ सकता है, मतलब प्रोडक्शन के अलावा, प्रोडक्शन करना, अच्छा प्ले करना, बुरा के प्ले करना, वो तो अलग बात है, हमारे एक ह्यूमन एंड ह्यूमन के बीच में गुड रिलेशनशिप बनता है, थिएटर वर्कशॉप करना और इसका दूसरा कम्युनिटी से हम इधर आके कल्चरल एक्सचेंज करना, इधर आके मतलब मेरा प्ले में इसने पार्टिसिपेट करना, दैट्स वेरी डिफरेंट वे ऑफ यू नो काइंड ऑफ फीलिंग होता आता है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जो है राजनीतिक हस्तक्षेप करने वाला ड्रामा क्यों नहीं करती हैं? थिएटर करना तो मैं मनी मेरे घर में मेरे पापा मामा थिएटर बहुत मना है, थिएटर करना बहुत मना है। अच्छा। तो NST जाना तो बहुत मुश्किल से मैं गई, शो ने दिया था, गॉड ने मेरे लिए दिया था, लेकिन हमारे घर लोगों, मेरे पापा मामा ब्रदर लोगों ने सब कम्प्लीटली बैन है, उस समय बैन था, तो मैं जाके करना, वो तो मैं ऐसा नहीं था कि थिएटर करना, डायरेक्टर बन के बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, वो करना और ऐसा वो नहीं था, जस्ट मतलब मौका मिल गया था, वो तो चल के ट्रेनिंग ले लिया था, लेकिन करने तुम कर करके पता लग गया था थिएटर इज नॉट, थिएटर क्या है कि ह्यूमन सोसाइटी को इसको स्टडी
करने का जगह है, हमारा सोसाइटी क्या क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, हम क्या ज़रूरी है एज ए ह्यूमन बींग, मतलब हम ह्यूमन बींग इंसान का मतलब अंदर में क्या होना चाहिए, मन के क्या मतलब इसको रहना चाहिए सबको। हम थिएटर में थिएटर के थ्रू हम तो डिस्कशन होता है, इसका एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो मैं थिएटर में काम करने समय मेरा मन बहुत बदल गया था, मतलब ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। एनएससी में मतलब स्टडी करने समय से हम अलग 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 जगह से हम तो मिला, अलग अलग कल्चर को हम इंटरेक्शन किया, फीलिंग हम अपने आप को शेयरिंग किया था। उस समय हम सब इंडिया में इतना अलग अलग कम्युनिटी और अलग अलग धर्म बहुत लोग है, लेकिन एनएससी में एक होता है, एक मतलब एक तरफ ऐसा होता है। हम तो कभी नहीं सोचा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये है, ऐसा कभी नहीं सोचा। वही वही मैं तो ऐसा, दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग टू डू थिएटर, कि थिएटर में मुस्लिम आएगा वो तो हम तो एक साथ तो काम करने लगता है, और क्रिश्चन आएगा वो हिंदू आएगा, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन का वो इतना फर्क नहीं पड़ता है, मतलब थिएटर में मतलब गॉड तो हाँ वी बिलीव गॉड, ईश्वर को पूजा करते हैं अपने मन से हम करते हैं, लेकिन मुस्लिम ये नहीं करना चाहिए, ये वो करो कभी नहीं होता है ना। एक्टर बनना तो मुस्लिम भी एक्टर बनता है, मतलब क्रिश्चियन भी होता है, हिंदू भी होता है ना। तो थिएटर के अंदर हम तो इतना मतलब डिवीजन नहीं होता, कास्टिज्म नहीं होता, अनटचेबल वो कुछ नहीं होता, लेकिन गुड ह्यूमन बींग कैसे बना वो तो थिएटर में हम तो सीखता है। तो मैं एज ए ह्यूमन बींग आई वॉन्ट टू रेस्पेक्ट टू अदर, एंड ह्यूमन का अंदर का फीलिंग होता है, ह्यूमन का ह्यूमैनिटी कैसे, प्यार कैसे आता है, मम्मी का प्यार कैसे आता है। तो हम तो मतलब थिएटर में तो मतलब वो तो एक्सप्लोर कर करके हम तो एक्सरसाइज किया ना, इसका मम्मी का प्यार क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो कैसे हमने एब्जॉर्ब करके मतलब अंदर में छुपा के कैसे रखा, कैसे इसको निकालना अंदर से। तो प्यार रियल प्यार, रियल लव क्या होता है, हिपोक्रेट क्या होता है, और तो सब डिस्कशन होता है। तो इसलिए तो मैं अभी थिएटर करना, मैं आई एम नॉट अभी क्रिएटिव, अच्छा क्रिएट करना, बाहर जाना इंटरनेशनल में। हाँ बोलिए। तो मैं अभी एक क्या मैंने क्या सोचा, क्या शुरू किया मैंने अभी जब मणिपुर में, आप तो नागपुर में तो बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत कुल है, और हमारा मैडम लोग भी हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं। आपके घर में कौन कौन लोग हैं? मेरा घर में पापा रिसेंटली कोविड के अंदर एक्सपायर हो गया था। अच्छा। कुछ मम्मी है, ब्रदर, दो ब्रदर है, उसका बच्चा वच्चा बहुत है, बहुत जॉइंट फैमिली। आपने शादी की? शादी नहीं की। मोहब्बत की? मोहब्बत है तो मेरा है। मैं एक मेंशन करना बहुत चाहिए, जरूर चाहिए कि थिएटर करना, मैं पहला तो मैं क्रिएटिव वर्क ऐसा बनना, ऐसा करना, अब्रॉड में जाके शो करना, एंड मेरा क्रिएटिव ऐसा इनोवेटिव एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक्सलेंट होना चाहिए, बहुत सोचा था, वो तो सोच रही हूँ, लेकिन अभी मैं इतना ऐसा नहीं सोचा। अभी मैं क्या करना शुरू हुआ था पिछले साल से, मणिपुर में बहुत ख़राब है हमारा एडल्ट लोग है ना, इसकी ज़माने में हमारा कंटेम्प्रेरी इसके नीचे, इससे बहुत ख़राब है, मेंटली बहुत ख़राब है। हाँ, इसके पास पैसा ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इसका ह्यूमैनिटी बहुत कम है, मतलब इसका अंदर में बहुत वाइल होता है, किसी ने किसी एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं हो रहा है। अभी मणिपुर में स्पिरिचुअल को बहुत छोड़ के चला गया था पूरा, मतलब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है ना मणिपुर में, तो इसलिए कल्चरली बहुत बदल गया था। इसकी वजह से हम डिसिप्लिन बहुत तोड़ गया, इन डिसिप्लिन इतना रैंक वन हो टू हो, मतलब इसके पापा मामा ने बच्चों को ऐसा एजुकेशन में भेजा इतना एक्सप्लेन करके डॉक्टर बन कर इंजीनियर बन गया था। इसके बाद मतलब इसको काम शुरू करने, पैसा कमाना शुरू होने के बाद तो पापा मामा को निकालना, ऐसा मैंटालिटी आ गया अभी। तो मैंने सोचा कि ये मेंटालिटी हम बच्चों से
इसको बदलने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो बच्चों को मैंने अभी मैं प्रोसेस में कैसा किया, स्पिरिचुअलिटी मोरेलिटी को कैसे अंदर में एब्जॉर्ब करना, इसके थ्रू हमने काम शुरू हो गया। मतलब अभी कर रही हूँ मैं कंटिन्यूस, वो तो ज़रूरी है। मैंने सोचा ये हमारे स्टेट के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, हम लोगों इतना अलग अलग कम्युनिटी के लिए ऐसा सोच के तो बच्चों को मैंने शुरू किया था। क्योंकि आप तो सुना होगा थिएटर में, थिएटर एजुकेशन NSD में हुआ, आप तो सुना है क्या थिएटर इन एजुकेशन ताई में काम करने समय हम तो सोचा कि इंडिया इज वन, वर्ल्ड इज ऑल्सो वन फैमिली, इसकी फीलिंग में को एक्सप्लोर करने के लिए काम हुआ था। तो वो इधर में मैंने बच्चों से वो तो काम करना शुरू कर दिया था, मेरा क्रिएटिव वर्क के अलावा ऐसा। मतलब आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, थिएटर करना तो प्ले करना पैसा कमाना वो तो इतना ज़रूरत तो नहीं, मतलब वो ज़रूरी है, पैसा विदाउट मनी यू कैन डू एनीथिंग। चलिए मैं आपको बधाई देता हूँ और अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि तनय लिम्बा जी यहाँ पर इस पहाड़ पर इन्होंने लगभग 4 एकड़ की एक ज़मीन खरीदी है और उस ज़मीन पर ये थिएटर बना रही हैं और इनका मकसद ये है कि यहाँ पर देश दुनिया के जितने भी बच्चे हैं जो रंगकर्म सीखना चाहते हैं उनको ये रंगकर्म सिखाएंगी और फिल्मों का, अच्छी फिल्मों का प्रदर्शन भी होगा, इसके अलावा वर्कशॉप भी होगा। मुझे अच्छी बात ये लग रही है, मैं अपने दर्शकों से ये बात शेयर करना चाहूँगा कि तनय लिम्बा जी चाहती तो यहाँ पर एक बियर बार खोल सकती थी, यहाँ पे एक शराब की, नहीं आप नहीं करेंगी मुझे मालूम है, जैसा कि पहाड़ों पर होता है जो लोग टूरिस्ट प्लेस बनाते हैं वो इस तरह के कॉटेज बना लेते हैं और बहुत सारी दूसरी तरह की जो वैधानिक गतिविधियाँ उसको संचालित करती हैं, लेकिन रंगकर्मी जो महिला रंगकर्मी जो मणिपुर की हैं उन्होंने 4 एकड़ की ज़मीन लेकर के रंगकर्म को आगे बढ़ाने की दिशा में अपना विचार तय किया और लगातार वो सक्रिय हैं। जो मेरे पीछे आप छोटा सा इनका जो थिएटर देख रहे हैं और ये बगीचे में है, तो हम इनको शुभकामनाएँ देते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।